नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो गवर्नमेंट द्वारा रूल लागू किया गया है कि यदि आपको छुट्टी चाहिए तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन करना होगा, तो मैं आपको स्टूडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपको कहां से कैसे ऑनलाइन आवेदन फिल करना है। पूरी जानकारी मैं आपको स्टूडियो के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति करके वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। इसके लिए पहले आपको अपने मोबाइल का गूगल या क्रोम पर जाना है। उसके बाद सर्च करना है, सर्च बॉक्स पर टाइप कर लेना है सीजी स्कूल। जैसे आप सीजी स्कूल सर्च करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने एक पेज आएगा। इस पेज पर आपको सीजी स्कूल इस प्रकार से इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे पुनः एक नया पेज आएगा। अब इस पेज ये पेज आप सभी को मालूम है, ठीक है। तो अब यहाँ आपको लॉगिन नहीं करना है, सीधे नीचे आना है। नीचे आने पर देखिए इस प्रकार से आपके सामने एक लिंक दिख रहा होगा, HRMIS लीव मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो लीव मैनेजमेंट सिस्टम इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने पुनः एक पेज आएगा। इस पेज पर देखिए नीचे आएंगे आप, आपको अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, जो CG स्कूल में ID दिया रहता है उस ID पासवर्ड के माध्यम से आपको यहाँ लॉगिन करना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर अपना डालना है और जो आपके पास पासवर्ड है CG स्कूल का उसको। यदि इस पासवर्ड से ओपन नहीं होता है तो आपको फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। फॉरगेट पासवर्ड करके पुनः ID बनाना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद OTP प्राप्त करें पर क्लिक करें। OTP प्राप्त पर क्लिक करेंगे तो OTP आपके मोबाइल पर आएगा। तो यहाँ आपको OTP बनाना है, फिर नया पासवर्ड बनाना है और नया पासवर्ड बनाने के बाद पुनः उसी को यहाँ एक बार और डाल लेना है। फिर क्या करना है, पासवर्ड बदले पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आगे की प्रोसेस करते हैं, देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP प्राप्त परे पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP भेजा गया है करके मैसेज आएगा, शो होगा, ठीक है। अब इस OTP को आपको डाल लेना है, ठीक है। देखिए इस OTP को डालना है, OTP भरे, ठीक है। इस पर यहाँ पर आपको OTP डाल लेना है, ठीक है। OTP डालने के बाद आपको क्लिक करना है, OTP दिए गए समय पर फिल करना है। उसके देखिए आपको अपना पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड की पुष्टि करना है, जो पासवर्ड यहाँ डालेंगे उसी को यहाँ फिल करना है। अब क्या करना है, आपको पासवर्ड बदले पर क्लिक करना है। जैसे पासवर्ड बदले पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से पुनः आपके सामने देखिए सफलतापूर्वक आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड सफलतापूर्वक बदल दिया गया है, कृपया नए पासवर्ड से लॉगिन करें। अब आपको क्या करना है, ओके कर लेना है। अब फिर जो है पुनः लॉगिन स्टेप पर जाएंगे, ठीक है। ओके कर लीजिए, अब जो है लॉगिन पर जाना है। वापस आपको पुनः लॉगिन पेज पर आना है। लॉगिन पेज पर आने के बाद देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। अब जो पासवर्ड है चेंज किया है उस पासवर्ड को यहाँ डाल लेना है। देखिए जैसे कि हमने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल रखा है, अब यहाँ क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन आपको सामने नीचे दिख रहा होगा, इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा, ठीक है। देखिए पेज में क्या होगा, लॉगिन सक्सेस दिखाई देगा। अब यहाँ शैक्षणिक गैर शैक्षणिक दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद इधर कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पर अवकाश आवेदन करे पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा। अब इसमें आपको क्या कर लेना है, एक प्रकार का अवकाश को सेलेक्ट कर लेना है, किस कारण से अवकाश ले रहे हैं, 50 शब्द में अधिकतम आप लिख सकते हैं, ठीक है, कारण। उसके बाद अवकाश का प्रकार पर चयन कर लेना है। चयन करेंगे देखिए यहाँ कौन सा अवकाश चाहिए आपको, वहाँ सब अवकाश जो जो लागू होते हुए दिया जाएगा। कौन सा तारीख से कितने तारीख तक आप अवकाश लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसमें डेट मेंशन कर लेना है। इस प्रकार से आपको डेट सेलेक्ट डेट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। अब आपको क्या कर लेना है, आगे अवकाश का उद्देश्य, ठीक है, तो कौन सा उद्देश्य इस पर सेलेक्ट कर लेना है। मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, हाँ, ठीक है। अब अवकाश अवधि के दौरान प्रभारी, जैसे आप कुछ पद पर है तो उस पर आप नाम लिख सकते हैं। अवकाश अवधि के दौरान पता आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, उसका विवरण देना होगा। उसके बाद अवकाश संबंधित फाइलें आपको जो है एप्लीकेशन वगैरह जो भी है उस फाइल को यहाँ रीजन अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका आप PDF बनाए रहेंगे तो उसको आपको अपलोड कर लेना है।
ठीक है, इस प्रकार से ओपन करके तो यहाँ अपलोड हो जाएगा। अब क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस प्रकार से प्रीव्यू और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो फॉर्म आवेदन अप्लाई किए हैं वो दिखेगा, ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और सही है तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है अवकाश जो है आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। आपका आवेदन क्रमांक इस प्रकार से है, तो इसका आप चाहे तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उनका PDF भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप अपना आपका डैशबोर्ड में जा करके आप देख सकते हैं, देखिए कौन कौन से आप आवेदन किए हैं उसको आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड पर जा करके आप देख सकते हैं, ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके अपना जो जो अवकाश है, ठीक है, जितने बार अवकाश और जो लिए हुए हैं वो आप जो है इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया से जो है आप अपना अवकाश देख पाएंगे, ठीक है। आपके लिए कितना अवकाश स्वीकृत, कितना आकस्मिक अवकाश है, कितना ऐच्छिक अवकाश है, कितना अर्जित अवकाश है, ये सभी उसमें ऑटोमेटिक अपडेट रहेगा, ठीक है। जितना आप छुट्टी लेते जाएंगे वो छुट्टी आपका कम होते जाएगा, तो और आपके ID पर सभी जानकारी शो होते जाएगा। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। इसी प्रकार के नए नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते फिर से एक वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।